हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रागिनी, आप सबका स्वागत है मेरे किचन में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आलू भाटा पालक की सब्ज़ी। आलू भाटा पालक मीन्स आलू बैंगन और पालक की सब्ज़ी। मैं आपको बताऊँगी इसे फुल देसी यूपी स्टाइल में बनाना, जैसा कि गाँव में हमारे बनाई जाती है। बहुत ही स्वादिष्ट है, और जैसा कि सर्दियों का सीज़न आ चुका है, मार्केट में हरी हरी सब्ज़ियाँ मिल रही हैं, तो बनाना तो बनता है। इसकी क्वान्टिटी जो है वो 8 से 9 लोगों के लिए है, तो आप आसानी से ज़्यादा क्वान्टिटी में कैसे बनाएँ आज की वीडियो में देख पाएंगे। तो इस सब्ज़ी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई गर्म करे रखी है, जो कि काफ़ी बड़े साइज़ की है। और इसमें मैंने ऐड किया है 2 चम्मच सरसों का तेल, 2 बड़े चम्मच तेल। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, गैस का फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है। और यहाँ पे मैंने 1/2 टेबल स्पून से भी कम डाला है पंचफोरन। पंचफोरन की रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। और पंचफोरन पकने के बाद मैंने डाला है 2 पिंच के लगभग हींग, इसके साथ में ढेर सारी लहसुन की कलियाँ, मतलब 8 से 9 लहसुन की कलियाँ, जिसे मैंने बारीक कट करके इसमें ऐड कर दिया है। आप कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, पर लहसुन का बाइट मुंह में बहुत अच्छा आता है, तो आप ऐसे ही ऐड करिए। साथ में ढेर सारी मिर्ची। सब्ज़ी को बहुत ज़्यादा हमें इसमें मसाले ऐड नहीं करने हैं, सब्ज़ी को चटपटा बनाना है। तो यहाँ पे मैंने 7 से 8 हरी मिर्च ली है, जो कि काफ़ी तीखी है, और इसे भी कट करके इसी वक्त हम तेल में ऐड कर देंगे। और लहसुन को देख सकते हैं आप, लहसुन अच्छा ब्राउन हो चुका है, मिर्ची पक चुकी है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे बैंगन और आलू। तो जो बड़े वाले बैगन आते हैं ब्लैक वाले, वो मैंने ले लिया था एक बड़े साइज़ का, जो कि 1.5 किलो के आसपास था। इसके साथ में 2 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए थे मैंने, जिसे कट करके पानी में कट करके रखा है। और इसके बाद हमने इसे ऑयल में ऐड कर दिया है, मीन्स कढ़ाई में ऐड कर दिया है, और अच्छे से हमें इसे मिक्स कर लेना है। तो हमें इसे पकाना नहीं है, सिर्फ ऑयल में हम इसे मिक्स कर लेंगे। इसके बाद जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, तो हम इसमें ऐड कर देंगे पालक। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़ी गुंडी पालक ली थी, जिसे मैंने अच्छे से वॉश किया है। वॉश करने के बाद मैंने इसे बहुत ही बारीक कट कर लिया है, और इसमें मैंने 1 गुंडी सोया का भी ऐड किया है। पालक के साथ सोया का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत ही सुपर टेस्ट लगता है, तो आप सोया ज़रूर ऐड करें। और यहाँ पर देखिए, सारा मैंने पालक जो है कढ़ाई में ऐड कर दिया है। आलू और बैंगन को मैंने पकाया नहीं है, सिर्फ उसे मिक्स किया और इसके बाद पालक ऐड कर दिया ऊपर से। अब हमें क्या करना है, अच्छे से इसे प्रेस करके दबा देना है, इसे ढक देना है, और पालक जैसे ही पकेगा, पालक गलेगा, तो इसकी क्वांटिटी ऑलरेडी बहुत कम हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे मैंने इसे ढक दिया था, और ढकने के बाद आप देख रहे होंगे मैंने अभी तक इसे चलाया नहीं है, छुआ नहीं है, सिर्फ ओपन किया। और यहाँ पर पालक जो है, हरी सब्ज़ी बहुत जल्दी गलती है, तो गल चुकी है। अब जैसा कि आप सब जानते होंगे, कोई भी हरी सब्ज़ी पकती है तो वो पानी काफ़ी छोड़ती है, तो यहाँ पे पालक ने अपना पानी छोड़ा है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 टमाटर हम ऐड कर रहे हैं मीडियम साइज़ का। टमाटर से ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट बन जाती है, तो टमाटर ज़रूर ऐड करिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इससे। और अब हमें क्या करना है, इन सारी चीज़ों को पकने देना है। तो एक बार हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिक्स करने के बाद ढक करके हम इसे 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। सब्ज़ी को जितना आप धीरे धीरे पकाएंगे, आपकी सब्ज़ी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पर मैंने इसे 10 मिनट के लिए ढक दिया था, 10 मिनट नहीं तो मैंने 7 से 8 तो ढका ही होगा। इसके बाद बीच बीच में चलाते रहेंगे, और यहाँ पे मैंने सब्जियों को मिक्स कर लिया है। ठंडी का सीज़न है, तो मार्केट में सब्ज़ियाँ बहुत आ रही हैं, तो फ्रेश हरे मटर को ऐड करना ज़रूरी है, क्योंकि इससे भी पालक की जो सब्ज़ी है, इसका स्वाद काफ़ी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मैंने बहुत कम ऐड किया है मटर के दाने। मसाले ऐड कर रही हूँ, होममेड मसाला है ये, और रेडीमेड गर्म मसाला और हल्दी पाउडर, बाकी हमें कोई भी मसाले ऐड नहीं करने। बहुत ज़्यादा मसाले हमें बिल्कुल ऐड नहीं करने, क्योंकि इस सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा मसाले अच्छे नहीं लगते हैं। और लाल मिर्च हमने यहाँ पे बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है, रीज़न ये है क्योंकि हमने हरी मिर्च का अच्छा खासा यूज़ किया है इसमें। अब क्या करना है, सारी सब्ज़ियों को एक करना है। तो देखिए आप, मैं स्पैचुला से कैसे सब्ज़ियों को चला रही हूँ, फिर इसे तोड़ रही हूँ, चला रही हूँ फिर इसे तोड़ रही हूँ, कुछ इस तरह से करके आपको सब्ज़ी को एक चटनी की जैसा बनाना है। मतलब बहुत ज़्यादा भी आपको हलवा नहीं करना है, लेकिन काफ़ी हद तक आपको इसे अच्छे से मिक्स करना है, तभी जो है इस पालक की सब्ज़ी का स्वाद निखर के आएगा, मज़ेदार जायकेदार लगेगा ये आपको। तो यहाँ पर मिक्स करने के बाद ढक देंगे स्लो फ्लेम पर, 5 मिनट पकने देंगे, और 5 मिनट बाद ये सब्ज़ी बनके तैयार है। अब जब भी हम कोई हरी सब्ज़ी बनाते हैं, तो नमक हम लास्ट में ऐड करेंगे तो ही अच्छा होता है, वरना सब्ज़ी ज़्यादा पानी छोड़ती है। तो लास्ट में मैंने यहाँ पे नमक ऐड कर दिया स्वाद अनुसार, और नमक ऐड करने के बाद हम इस सब्ज़ी को मिक्स कर लेंगे। अब जो कि हमने नमक ऐड किया है, तो अब हम इस सब्ज़ी को ढक कर बिल्कुल नहीं पकाएंगे। तो यहाँ पर अब हम इसे ओपन ही पकाएंगे, तो सब्ज़ी को अच्छे से मिक्स कर लें नमक के साथ में। और वैसे तो ये सब्ज़ी बन के तैयार है, पर नमक हमने लास्ट में ऐड किया है, इस वजह से हम इसे 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे। और 15 से 20 मिनट में हमारी ये मज़ेदार लाजवाब सब्जी पालक की बनके तैयार है, बिल्कुल देसी स्टाइल में। आलू भाटा पालकी जय कन्हैया लाल की कहावत है, तो ये सब्ज़ी बहुत ही मज़ेदार है गाइस, आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी लगेगी आपको। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर नया है सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस करिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप मेरे चैनल पर बने रहें। बाय बाय।